सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं टेक मोहित। तो आज की वीडियो टेक और थंबनेल लेके तो आप पहचान लो कि आज की वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो जी हां, आज हम एक पीसी बिल्ड करने वाले हैं जिसका बजट होने वाला है सिर्फ 30,000 रुपीज़। जी हां, सिर्फ 30,000 रुपये में आज हम एक गेमिंग पीसी बिल्ड करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने अपने चैनल पर 50,000 और 40,000 के भी पीसी बिल्ड बनाए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो उसका मैं लिंक आई कार्ड में दे दूंगा, तो वहां जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इस बिल्ड में जो भी हमने पार्ट चूज किए हैं उसमें से हर पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से जाकर आप कोई भी पार्ट खरीद सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अपने बिल्ड में सबसे पहले कंपोनेंट के बारे में, जो हमारा सबसे पहला कंपोनेंट है वो है हमारा सीपीयू। तो सीपीयू के लिए हमें चूज़ किया है इंटेल की तरफ से आने वाला G4560, जो कि एक 2 कोर 4 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो मिलती है हमें 3.5 GHz की। कैश मेमोरी की बात करें तो उसमें 3 MB की Level 3 वाली कैश मेमोरी मिलती है हमें। सॉकेट टाइप की बात करें तो उसमें LGA1151 की सॉकेट मिलती है हमें। इंटेल के 610 HD ग्राफिक्स मिल जाते हैं, हाइपर थ्रेडिंग मिल जाती है, जो कि काफ़ी काफ़ी अच्छी चीज़ है इस CPU के अंदर, जो कि इसको एक अच्छा सा गेमिंग CPU बनाती है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो हमें मिलता है 5,200 रुपीज़ है। इसे बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से इसे आप बाय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा पहला कंपोनेंट। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे कंपोनेंट के बारे में। तो CPU के बाद हमें चूज़ किया है हमारा मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड के हमें चूज़ किया है MSI का H110M Pro VH+ मदरबोर्ड, जो कि काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है हमारे CPU के लिए। इसकी जो सॉकेट टाइप है वो है LGA1151 की। अगर उसमें हम रैम स्लॉट की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ 2 रैम स्लॉट मिलते हैं, जो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 32 GB रैम सपोर्ट करते हैं, जो कि इसकी क्लॉक स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2133 MHz। इसमें हमें एक PCIe स्लॉट मिलता है और 4 SATA 3 के पोर्ट मिलते हैं, जो कि 6 GB/s तक सपोर्ट करते हैं। और ये एक माइक्रो एटिक्स फॉर्म फैक्टर वाला मदरबोर्ड है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये मिलता है हमें 3,600 रुपीज़ का। इसे बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स आप इसे वहाँ से बाय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें थर्ड कंपोनेंट के बारे में, तो वो है रैम। तो रैम के लिए हम चूज़ करी है क्रूशियल की 8 GB की सिंगल DDR4 की स्टिक, जो कि आती है एट द क्लॉक स्पीड ऑफ 2400 MHz। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये मिलती है 2900 रुपीज़ की। इसे बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। और ये हमारे मदरबोर्ड के साथ बिल्कुल कंपैटिबल है, तो काफ़ी अच्छी रैम होने वाली है हमारे PC के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ कंपोनेंट के बारे में, जो कि है हमारी स्टोरेज पार्ट। तो स्टोरेज के लिए हम 2 ऑप्शन यूज़ करेंगे, एक SSD और एक हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव हमारी मास स्टोरेज के लिए और SSD हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ गेम्स के लिए। तो जो हमने हार्ड ड्राइव यूज़ की है इसमें, वो है हमारी Seagate की बैराकुडा 1 TB की हार्ड ड्राइव है, जो काफ़ी हम अच्छी हार्ड ड्राइव है। और ये 7200 RPM पर रोटेट करती है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो हमें मिलती है ये 2900 रुपीज़ की। इसे बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से इसे बाय कर सकते हैं। और अगर हम बात करें SSD की, तो SSD के लिए हमने इसमें यूज़ की है WD की ग्रीन 120 GB की SSD। इसका जो प्राइस है वो मिलता है हमें 1600 रुपीज़। इसे बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसमें हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे और जो हमारी हार्ड ड्राइव है उसमें हम हमारी जो फाइल्स वाइल्स हैं वो रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अपने पावर सप्लाई के बारे में। तो जो हमने पावर सप्लाई ली है इसमें, वो आती है कोरसाई की तरफ से VS450। इसमें हमें ब्लैक कलर की केबल्स मिल जाती हैं, और जो कि हमारी बिल्ड के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसमें जो प्राइस मिलती है वो है 2700 रुपये। हाँ जी हाँ, आपसे 2700 रुपीज़ का बाय कर सकते हैं। और अमेज़ॉन पर बिग बिलियन सेल भी आने वाली है, तो ये आपको वहाँ सस्ती भी मिल सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने कैबिनेट के बारे में। तो कैबिनेट के लिए हमने चूज़ किया है, काफ़ी अच्छा कैबिनेट है वो, जो मुझे खुद पसंद है रियली, जो वो है BBC का 8883 कैबिनेट। इसमें आपको एक 3.0 USB का पोर्ट मिल जाता है, एक 2.0 USB 0 का पोर्ट मिल जाता है, एक्रेलिक साइड पैनल मिल जाता है, और इसमें आपको फ्रंट में डुअल स्ट्रिप RGB स्ट्रिप मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा है इस प्राइस पॉइंट में। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो वो मिल जाता है 2800 रुपये का, जहाँ आप इसे सिर्फ 2800 रुपीज़ का बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर हम बात करते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंपोनेंट के बारे में, जो कि हमारा सबसे पावरफुल कंपोनेंट है, वो है हमारा ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड में हम यूज़ कर रहे हैं GigaByte का RX 560 OC एडिशन, जो कि काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड है। इसमें आपको मिलती है 4 GB की DDR5 की मेमोरी, 128 बिट का इसका इंटरफेस है। इसमें आपको सिंगल फैन मिल जाता है कूलिंग के लिए, और ये हमारे तो गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें आप इजीली 60 FPS की गेमिंग कर सकते हैं 1080p पर।
और अगर आप इसे 720p पर सेट कर देते हैं तो काफ़ी अच्छे FPS आप उसमें और गेन कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ इस प्राइस ग्राफिक कार्ड के प्राइस की, तो हमें मिलते हैं 7,800 रुपीज़ का। इसे बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये थे बिल्ड के कुछ कंपोनेंट्स जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स अभी बिल्ड कंप्लीट हो चुकी है, तो अगर हम इसके टोटल बजट की बात करें तो वो आता है हमारा 29,500 रुपीज़। तो इसमें सिर्फ 500 रुपये बचे हुए हैं, तो उस 500 रुपये को आप किसी और कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं अगर उसका प्राइस वैरी होता है यानी अप एंड डाउन होता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ पर लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।